हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि हम अपने आप जेम को ओईएम से कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। किसी प्रोडक्ट का ओईएम रजिस्टर करना मतलब, जैसे आप ओईएम तो है नहीं और अब आपको ओईएम का सामान बेचना है, तो आप कैसे बेच सकते हैं एज अ रीसेलर। आप एज अ रीसेलर ओईएम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, मैं आपको समझा कर कहता हूँ अभी भी। जैसे कि मैंने लिख लिया, अभी मान लो मेरे को चाहिए डेस्कटॉप फॉर ऑफिस। चलो डेस्कटॉप ही लिख देते हैं खाली। ये डेस्कटॉप है, जैसे कि डेस्कटॉप कंप्यूटर Q2 कैटेगरी में है, और Q2 कैटेगरी में जब तक OEM नहीं है सेल नहीं कर सकते, या फिर रीसेलर वही सेल कर सकता है जिसके पास OEM है। ये देखिए, जैसे ये रीसेलर्स है, पर इसके पास ओईएमशिप है, इसने ओईएम ऑथराइज है, रीसेलर ओईएम से। मैं आज आपको यही बताऊंगा कि आपको ओईएम से ऑथराइजेशन कैसे लेनी है। ये देखिए, ये ओईएम वेरीफाइड रीसेलर है, ओईएम वेरीफाइड कैटलॉग है इसका। ये देखिए, ये जिसके बीच पर लिखा होता है, जो ओईएम खुद, जो ओईएम है वो खुद बेच रहा है तो ओईएम लिखा रहता है, और जिसने रीसेलर लिया हुआ, ऑथराइजेशन लिया होता है, उसके ऊपर रीसेलर लिखा होता है। तो आज मैं आपको पूरा पूरा प्रोसेस समझाऊंगा आपको ओईएम लेने का, कि आप ऑथोराइजेशन कैसे ले सकते हैं। मान लीजिए आपको कौन इस ब्रांड ब्रांड चलो कोई ब्रांड चूज कर लेते हैं पहले, अच्छा नाम आ जाना ब्रांड, ऐसे लोकल ब्रांड नहीं, कोई अच्छा सा ब्रांड। बिल्कुल लाइव बताऊंगा मैं आपको कैसे लेना है। मान लीजिए एसर, एसर तो बहुत बड़ा ब्रांड है ना, हमें एसर का ओईएम शिप लेना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जिस ब्रांड का हमें लेना है ओईएम लेना है, उसकी वेबसाइट पे जाना होगा। मान लीजिए एसर की वेबसाइट पे चले जाते हैं हम, एसर का हमको लेना है तो हम एसर की वेबसाइट पे चले जाएंगे। उसकी वेबसाइट पे जाने के बाद आपको उनको कॉल करना है। अगर कॉल नंबर नहीं मिल रहा तो आप यहाँ से कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से आपको जो भी नंबर मिलेगा आप उस पर कॉल करें। कॉल करने के बाद आपको उनको बताना है कि मैं एक गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से बोल रहा हूँ और मुझको आपके प्रोडक्ट के लिए ऑथराइजेशन चाहिए, रीसेलर आपका रीसेलर के लिए मुझे ऑथराइजेशन चाहिए। तो वो उसी टाइम आपको जो आपके, पहले तो आपको वो एरिया पूछेंगे कि आप किस एरिया से हैं, आप कहाँ पे रहते हैं, आपकी स्टेट क्या है, वो पूछेंगे। वो पूछने के बाद वो आपको उस एरिया का, जिस एरिया के आप हो उस एरिया के सेलर हेड का नंबर दे देंगे। फिर आपको करना क्या है, सिंपली उस नंबर पे कॉल करना है, और उस नंबर पे कॉल करने के बाद आपको उनको बताना है कि मैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से बोल रहा हूँ, रजिस्टर्ड सेलर हूँ, और मेरे को आपके प्रोडक्ट के लिए ऑथोराइजेशन चाहिए। मान लीजिए एसर है ना तुम्हारा ब्रांड, तो एसर के लिए ऑथोराइजेशन चाहिए। तो फिर वो आपको अपनी ऑफिशियल ईमेल आईडी बताएगा, और हमेशा वो आपको अपनी ऑफिशियल ईमेल आईडी बताएगा ऑफिस यूज की, और आपको वो बताएगा कि आपको मेल करना है किस टाइप का। अगर आप वो जानना चाहते हो तो आप मेरे को कमेंट कर लीजिए, मैं आपको ऑथराइजेशन दिलवा दूंगा। हम बहुत सारी कंपनियों को ऑथराइजेशन दिलवा चुके हैं, अगर आपको चाहिए तो आप भी बता देना। तो आपको वो बताएगा कि आपको मेल करना है, वो पहले आपको मेल करेगा, फिर उस पर ठहरे वो डॉक्यूमेंट आपके मांगेगा और आपको उसको मेल बैक कर देना है। और वैसे मेल बैक करने के बाद थोड़ी देर बाद वो अपने आप ही आपको रिवर्ट करेगा और आपको OEM ऑथोराइजेशन नंबर मिल जाएगा। बस सिंपल मैट सिंपल एंड सॉफ्ट सॉल्यूशन है ये। अगर आप भी OEM का लेना चाहते हैं, OEM किसी चीज़ को ऑथोराइजेशन लेना चाहते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मेरे कमेंट्स में मैं पढ़ता रहूँगा। आप अपनी मेल ड्रॉप कर दें और कमेंट कर दें, मैं आपको मेल पे रिवर्ट कर दूंगा। किसी भी प्रोडक्ट का OEM, ये नहीं सिर्फ इसका, किसी भी प्रोडक्ट का आपको OEM चाहिए तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट करें।